हेलो एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकुश और आ गया हूं आपके सामने एक और नई वीडियो को लेकर। तो गाइज, आज का वीडियो जो होने वाला है वो है टॉप 5 एनिमे फैक्ट्स यू डोंट नो पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैं पहले ही बना चुका हूं, आप हमारे चैनल पे जाकर इसको चेक कर सकते हैं। तो फैक्ट नंबर 1 गाइस, क्या आप जानते हैं कि सबसे पुराने एनिमे फुटेज कौन सी डिस्कवर की गई है और वो किस साल में बनी थी? शायद नहीं। तो गाइस, मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि सबसे पुरानी एनिमे फुटेज जो बनी थी उसका नाम है कात्सुदो शासिन, जिसको मात्सुमोटो फ्रेगमेंट भी कहा जाता है, जो 1907 में बनी थी और इसे सबसे पुराना जैपनीज एनिमेशन वर्क भी कहा जाता है। इसे किसने बनाया ये जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है। इसकी ड्यूरेशन 1 मिनट की है और ये कलेक्शन ऑफ फिल्म एंड प्रोजेक्टर क्योटो में डिस्कवर की गई थी 2005 में। तो फैक्ट नंबर 2 गाइस, क्या आप जानते हैं कि अटैक ऑन टाइटन बेस्ड है एक ड्रंक गाय के ऊपर? हाजी में इसे यामा एक इंटरनेट कैफे में काम करते थे। एक दिन उनका पला एक ड्रंक गाय से पड़ा और उस एक्सपीरियंस ने उनको इतना इफेक्ट किया कि वो इंस्पायर्ड हुए इस पर एक मांगा लिखने के लिए, जिसको आज हम अटैक ऑन टाइटन के नाम से भी जानते हैं। उनके हिसाब से कस्टमर ने उनको बताया कि कितना मुश्किल होता है ऐसे इंसान से बात करना जो सेम ह्यूमन होकर भी अलग है। और भी कई चीजें थी जिनको उन्होंने देखा और उनसे इंस्पायर्ड हुए, जिसमें से एक उनका चाइल्डहुड था जो पहाड़ों के बीचे बीता था। तो फैक्ट नंबर 3 गाइस, क्या आप जानते हैं कि जापान एनिमेशन स्टूडियो को फाउंड किया था केंजो मासोका और जेनजीरो यामामोटो ने 1948 में। 1956 में टोई वालों ने इस एनिमेशन स्टूडियो को खरीद लिया था उनसे और उसका नाम टोई डोगा कंपनी लिमिटेड के नाम से रखा गया, क्योंकि वो जापान से बाहर टोई एनिमेशन कंपनी लिमिटेड के नाम से काम करते थे। इसलिए 1998 में इसका नाम टोई डोगा कंपनी लिमिटेड से हटाकर टोई एनिमेशन रखा गया। तो फैक्ट नंबर 4, पहली कलर फीचर एनिमे फिल्म जिसको समटाइम कंसिडर्ड किया जाता है मॉडर्न स्टैंडर्ड एनिमे से, और उस सीरीज का नाम है हाकुजाडेन, जिसको 1958 में बनाया गया था और ये पहली कलर फीचर एनिमे फिल्म थी। और ओटोगी मांगा कैलेंडर ऐसी पहली एनिमे सीरीज थी जिसको टेलीविजन पर टेलीकास्ट किया गया था। ये सीरीज 1961 से लेकर 1964 तक चली थी। तो फैक्ट नंबर 5 गाइस, क्या आप जानते हैं ऐसी कौन सी पहली एनिमे सीरीज है जिसको इंग्लिश में डब किया गया था? शायद नहीं। तो गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहली ऐसी एनिमे सीरीज जिसको इंग्लिश में डब किया गया था उसका नाम था गाइगेंटोर, जो अक्टूबर 20, 1963 को जापान में एयर ऑन हुई थी फूजी टीवी पर, और उसका डब वर्जन एयर ऑन हुआ था 1964 में यूनाइटेड स्टेट्स में WPIX न्यूयॉर्क पे। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको इससे ज़रूर एनिमे के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें पता चली होंगी जो आपको आज तक नहीं पता थी। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम ऐसे ही कई वीडियोस लाते रहेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करते वक्त साथ में एक बेल आइकन का ऑप्शन होता है, उसे दबाना मत भूलना, ताकि हमारी जो भी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।